हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गाली देने की बात से खपा आरोपी ने चलाई थी अष्टभुजा पर गोली, चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ खजनी ने किया खुलासा। यूनिसेफ द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का एडीजी दावा शेरपा ने किया उद्घाटन, वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और किशोरों द्वारा बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पर रखे अपने अपने विचार। रेलवे बस स्टेशन पर चला अनुबंधित बसों पर डंडा, एसपी सिटी ने कहा जारी रहेगा अभियान। यातायात विभाग द्वारा जुबली इंटर कॉलेज में आयोजित की गई यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यशाला, एसपी ट्रैफिक ने कहा बड़ों के साथ बच्चे भी अगर ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करें तो दूर होगा जान माल का भय। ओडीएफ गांव के सत्यापन के लिए मंडलायुक्त ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, कहा शीघ्र प्रस्तुत करें रिपोर्ट। पीने के पानी की समस्या को लेकर मोहल्ले वालों ने सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन, मोहल्ले वासियों ने महापौर को भी कराया समस्या से अवगत, लेकिन स्थिति जस की तस। जिलाधिकारी ने बताया कि खरीफ 2018 में प्रति हेक्टेयर 44,412 रुपए का फसल बीमा कवर मात्र 888 रुपए प्रीमियर पर प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने एडीएम सिटी के माध्यम से प्रदेश सरकार को सौंपा ज्ञापन। दाऊदपुर मोहल्ले में जल जमाव की समस्या बराबर होने से खपा नगर विधायक ने नगर निगम प्रशासन पर निकाला गुस्सा। महापौर ने फीता काट कर किया रेस्टोरेंट का उद्घाटन, चाइनीज व्यंजन और कॉफी के शौकीनों के लिए खुशखबरी। वेद रतन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित हुआ संगोष्ठी, वक्ताओं ने वेदों में निहित मानव मूल्य विषय पर रखे विचार। रेलवे की नई पेंशन स्कीम, निजीकरण और आउटसोर्सिंग के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन परिसर में निकाला विरोध जुलूस। और जिला फुटबॉल लीग में यूपी पुलिस और कर्म क्षेत्र वॉरियर का मैच रहा ड्रा, पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टार स्पोर्टिंग को 2-0 से दी मात। शुद्ध प्रेस के प्रबंधक निदेशक अमर तुलसियान ने खिलाड़ियों को किया हौसला अफजाई।